एक बात बताओ, लॉल्स 3 प्लेयर के साथ 43 पॉइंट्स एंड गॉडल विद बेस्ट प्लेयर फॉर 38 पॉइंट्स। वाई? बिकॉज गाइज अभी का जो BMPS का राउंड है उसमें आप लोग मैचेस पे जज मत करो टीम्स को, बिकॉज लॉबी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप सही से भी खेल रहे हो, कहीं से भी थर्ड पार्टी आती है, कहीं से भी कुछ भी फाइट होती है, सोलो प्लेयर गेम खराब कर देता है, तो उन चीज़ों की वजह से ना गेम्स बहुत सारे खराब होते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए क्राफ्टन ने फॉर्मेट बहुत अच्छा रखा, ज़्यादा मैचेस वाला, समझ रहे हो, स्टार्टिंग के स्टेजेस में, ताकि कोई भी टीम लक बेसिस के बेस पे रह ना जाए क्वालिफाई करने से, समझ रहे हो। इसलिए जितनी ऑर्गेनाइज होती जाएगी ना नेक्स्ट राउंड्स में लॉबी, उतना ज़्यादा आपको मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखती जाएगी टीम्स की, समझ रहे हो। और भाई गॉडल के 3 तो फिनिशेस ही हैं 38 में से, बहुत अच्छी चीज़ है यार, एग्रेसिव खेल रहे हैं वो लोग, एंड कॉन्फिडेंस देगी ये वाली चीज़ उन लोगों को, इतना एग्रेसिव खेलना आगे के राउंड्स के लिए। वन सजेशन फॉर गॉडलाइक सजेशन देखो यही है मेरे को, जॉनथन के लिए सजेशन है, गॉडलाइक के लिए तो नहीं, कि एम बहुत अच्छा है जॉनथन का, वन मैन बहुत अच्छा है, एंड क्लच सिचुएशन भी बहुत अच्छा है जॉनथन, लेकिन अभी के टाइम पे जो मतलब चीज़ मॉडर्न टाइम पे जो स्किल डिमांड करती है ना लॉबी, वो यही है कि यार आप टीम के साथ में मूव्स कैसे बनाते हो, समझ रहे हो, कि मतलब तुरंत से आप सिचुएशन में अडाप्ट कर रहे हो कि अच्छा एडमिन कवर दे रहा है, या फिर एडमिन तो कवर दे, मैं वेट कर रहा हूँ नॉक निकालना, ये वाली चीज़ें, समझ रहे हो। टीम के साथ में मिलकर प्लेयर्स बहुत कम बनाती है गॉडलाइक, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है। इंडिविजुअल प्लेयर तो बहुत अच्छा है। हेलो पंक, व्हाट्सअप पंक भाई, वेलकम टू योर स्ट्रीम, कैसा नाम है स्ट्रीम पे, वेलकम पंक कर दो गाइस, वेलकम पंक कर दो एक बार स्ट्रीम पे, मुझे शाउट आउट दे दो, शाउट आउट टू मो नाम नहीं ले सका, ओए मां कसम आशुतोष है सामने, शाउट आउट टू आशुतोष भाई, पंक भाई क्वालिफाई कर लेना, देख लो पंक क्वालिफाई करने के लिए बोल रहे हैं लोग, ग्रैंड कर रहे हो यार, मैं तो खेल ही रहा था, कल भी खेला था, आज भी खेला ही था, कल के लिए मोटिवेटेड हो यार, मैं तो हमेशा मोटिवेटेड ही रहता हूँ, और तुम लोग जो मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे कि कल मैंने हक दिया, तो मैंने नहीं आगा था, सिर्फ पंग भाई ने आगा था, क्रो क्वालिफाइड, कॉन्ग्रेचुलेशन क्रो भाई को, पंग बूट कैंप आया क्या, नहीं वीरे पंग भाई को थोड़ा घर से खेलने की आदत है, वो हमें बोले कि इंस्पायर्ड हैं, देखते हैं बाकी कैसे खेलते हैं घर से भी अगर सिस्टम हो गया तो फिर पंग भाई को मंदिर से खेलना चाहिए, फिर कल अच्छे से खेलना है भाई, कल यार कल मैं 9 बजे उठ जाऊंगा, तब से ट्रेनिंग करूंगा, ठीक है, दूसरे आईडी से। स्टेज पे क्या हुआ था, स्टेज पे अब क्या ही बोलूं, भाई ने थोड़ा चौकस कर दिया था, तो अब वहाँ पे मैं हंस वस तो नहीं सकता था, तो बस ऐसे ही खड़ा हो गया बिल्कुल फ्रीज, फिर मेरी भाई आई, मैंने तो सही बोला यार, मेरे को क्यों बोले कि मैंने चौकस किया, जिसने चौकस किया अब क्या ही बोलूं भाई मैं उसमें, बाकी अपने 2 दिन मैच है, यानी सिर्फ कल है, और आई थिंक कट ऑफ 60-65 के बीच में जाएगा, क्योंकि अभी रेड नहीं यार, रेड ग्रुप भी है ना, बढ़ सकता है, फिर तो कॉन्फिडेंट रहो यार, कॉन्फिडेंट तो रहते ही हम,